अब इस चीज को करने के लिए किसने पैसा दे दिया भाई? मतलब इतने पैसे किसने दिए होंगे? कांग्रेस ने दिए होंगे आई थिंक, क्योंकि गांधी जी का नाम होना चाहिए। एग्जैक्टली हमें गोडसे जी को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और ये बुर्ज खलीफा पे ये चीज बहुत बड़ा वेस्ट है मेरे हिसाब से। अरे यार, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, वूट की तरफ से, कलर्स की तरफ से भाई एकदम धमाकेदार प्रोमो चल रहा है कि सलमान भाई आ चुके हैं रिटर्न स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो लोग आए हैं इस बार जो मतलब कंटेस्टेंट बन करके, वो भाई बहुत ही अलग है। जहां तक मैं ओटीटी का कुछ एक दो झलक देखा हूँ, तो उसमें भाई कुछ ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मतलब दूर दूर तक, कोसों तक, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कहीं उनको कहीं पे देखा है। वैसे देखा जाए तो मेरी याददाश्त भले से नाम को लेकर के बहुत बुरी हो, लेकिन शक्ल कहाँ पे देखा है ये मुझे याद रहता है। लेकिन यार इस बार जो है ना, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। पर अभी जैसे कल रात का मतलब प्रोमो वगैरह चल रहा था सलमान खान और बिग बॉस, और उसके बाद से फिर उमर रियाज आ चुके हैं, और लोगों का एक फालतू सा सवाल चालू है कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला को तुम लोगों ने ट्रिब्यूट दिए बिना कैसे अपना बिग बॉस शुरू कर सकते हो? बिग बॉस फ्लॉप हो जाएगी, देख लेना ये वो ऐसा वैसा। कैसे मैन, कैसे? मतलब क्या सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस की वजह से जाना जाता था? और क्या बिग बॉस को सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से इतना फेम मिला है? जहां तक मुझे पता है कि बिग बॉस ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था, अब पिछले 5-6 साल से जो है वो नाम अब गाली बन चुका है। लेकिन यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई आप उनको ट्रिब्यूट दो। भाई ट्रिब्यूट देना है ना, तो एज एन एक्टर दो उनको, क्योंकि वो अच्छे एक्टर थे। अपना नाम जिस तरह से उन्होंने टीवी और सब जगह पे कमाया था ना बॉस, वो अलग चीज थी, और वो टैलेंट की वजह से था। हाँ, पर्सनालिटी की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करता था यार, लेकिन इस तरह से कहना कि तुम उसको मतलब बिना श्रद्धांजलि दिए, बिना ट्रिब्यूट दिए कैसे करके शुरू कर सकते हो, इट्स टोटली फेक मैन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों दी है भाई सैफ अली खान की हॉटनेस। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, कौन है? लहसन, सॉरी, ईशान सहगल, या पता नहीं क्या है, इसको कोई जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता। हट, मतलब मैं जितना घुस घुस के देखता हूँ ना, वो मैं भी नहीं जानता हूँ। ओह फाइनली, नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री ऑन द, ओके मूव ऑन। ये अब ये कौन है? डोना, डोनाल्ड बिस्ट, मैं बोलने वाला था डोनाल्ड ट्रंप। गंगूबाई काठियावाड़ी वर्सेस ट्रिपल आर, विल टू फिल्म्स ऑफ आलिया भट्ट एंड अजय देवगन रिलीज इन द सेम वीक? अच्छा हुआ सेम वीक बोला, सेम डेट नहीं बोला। बाय द वे, ट्रिपल आर अर्न द ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन इन द बॉक्स ऑफिस, देयर इज नो डाउट। एंड गंगूबाई काठियावाड़ी आई थिंक इट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर करियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस इस बार जो है थोड़ा हटके और थोड़ा उभर के आने वाली है। और संजय लीला बंसाली में उसको किसी को भी एक्टर बना सकता है। आई एम वेरी सॉरी अगर ये सुन करके बहुत ज्यादा, ये विशाल कौन है यार ऐसे ऐसे, ओ माय गॉड, यहाँ तक की न्यूज की मेरे पास में स्क्रीनशॉट नहीं रही क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया। कोई बात नहीं, आगे का देख लेना। देयर इज अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर समांथा अक्कीनेनी एंड नागा चैतन्य, क्योंकि भाई ये दोनों जो है अब सेपरेट हो चुके हैं। अभी कितना खूबसूरत वर्ड देने लग गए ना, कि मतलब अब डाइवोर्स नहीं बोलेंगे, तलाक नहीं बोलेंगे, या फिर छोड़ दिया नहीं बोलेंगे। इट्स इट विल बी लाइक सेपरेशन, सेपरेशन, बिकॉज दे आर करोड़पति मैन। कहते हैं ना, करोड़पति की फटी हुई चड्डी भी भाई फैशन लगती है, और अगर कोई गरीब इंसान अच्छा खासा कपड़ा पहन ले, भले से वो हजारों में हो, फिर भी बोलेंगे भाई ये 100-200 का सामान पहन करके घूम रहा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बस जिस तरह से नाम दिया जाता है ना, जैसे अभी फिलहाल में आमिर खान ने भी नाम दिया अपने, मतलब कि उनका क्या हो रहा है और किस तरह से, तो भाई हम लोग खुशी खुशी अलग हो रहे हैं। साला इतना खुशी खुशी नॉर्मल लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर ही खत्म। सिंपली कोर्ट को एक लव लेटर जाएगा कि भाई देखो हम दोनों अलग होना चाहते हैं, आप बस एक साइन करवा दो अपने पेपर पे। आई गॉड, सच में दुनिया बदल रहा है, और बहुत बुरी तरह से बदल रहा है, कुछ कर नहीं सकते इस चीज को ऐसे, लेट इट बी। पर खास बात यह है ना कि समानता ने मना कर दिया, 200 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया एलिमनी में। यार इतना प्यार, इतना प्यार, मतलब 200 करोड़ मिल रहा था। हाँ आजकल वैसे जहां तक देखा जाए तो, मतलब आजकल नहीं, काफी समय से फीमेल जो है डाइवोर्स के बाद भी हैप्पीली एवर आफ्टर इसलिए रहती है क्योंकि उसको एलिमनी में अपने
करोड़पति हस्बैंड से करोड़ों मिल चुके होते हैं और वो खुशी खुशी रहती है और खुद खुशी से उसकी सेकेंड जो मैरिज होती है उसमें उसको अटेंड करती है। तो इसमें यार 200 करोड़ रुपये मना कर दिया समानता। सीरियसली अब ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में सही इंसान का फैन बना हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, पर हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन जो भी है, किसी भी यार मतलब जोड़े को ऐसे सेपरेट नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस डे, बॉलीवुड हैज प्रोड्यूस मेनी गुड थ्रिलर बट अवेयरनेस डे इज स्टिल यूनिक अमंग ऑल। सीरियसली अवेयरनेस डे, देर इज नो हीरोइन, देर इज नो सॉन्ग, देर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी और एकदम कहते ना पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हिट कर जाता है दिमाग को। और सीरियसली बताऊँ तो बहुत अमेजिंग मुझे लगता है बिकॉज ऑफ नसरुद्दीन शाह के परफॉर्मेंस और जिमी शर्जिल एज एन आरएफ, मीन्स एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर जो होता है भाई, उसको किस तरह से मतलब एक मिशन में अपने आप को पोर्ट्रे करना होता है वो देखने लायक रहता है। एक्सक्लूसिव ऑन बिग बॉस 15 चाइल्डहुड इन चॉल एंड मोर, कौन है? विशाल कोटियान। हाँ ठीक है भाई, अभी तुम सलमान खान के सामने खड़े हो एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट। कुछ साल के बाद पिछवाड़े में लात मार के निकाले जाओगे अगर कुछ भी औना पौना हरकत किया सलमान खान के अगेंस्ट। यार मुझे नहीं पता, कुछ लोग जो है मुझे बता रहे थे कि भाई FB पे जगह जगह पोस्टर लेकर के लोगों ने डाले हैं और डाल करके ये बताया है कि गांधी जयंती जो है वो विश तो किया जा रहा है, ठीक है, विश किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है कि भाई सब जगह पे मोदी जी की फोटो है, महात्मा गांधी की फोटो का है, महात्मा गांधी जी के लिए सिर्फ इतना लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी को सिर्फ विश कर दिया गया है टेक्स्ट में और फोटो तो है नहीं। आई थिंक कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे नोटों पे जो है हमारे प्यारे मोदी जी का फोटो होगा एंड वी विल प्राउड ऑफ दैट। गलत नहीं कह रहा हूं, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि मोदी जी जो है धीरे धीरे हमारे जो कोट के इधर पे अगर बोला जाए तो पीछे में जो लगा रहता है एक फोटो गांधी जी का, वो हट करके मोदी जी की हो जानी चाहिए। एंड पुलिस स्टेशन में जो है वहां पे भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो फोटोज होते हैं, महात्मा गांधी जी का जो फोटो होता है उसको हटा करके पीएम मोदी जी का फोटो लगाने चाहिए। एंड ट्रूली ट्रूली कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, प्राउड फील होगा। वी शुड फॉरगेट अ फ्रीडम फाइटर, वी शुड लिव इन द प्रेजेंट डे। हाँ, हमें अपने प्रेजेंट डे पे जीना चाहिए। ओ माय गॉड, दैट्स रियली फकिंग थिंग। यार मैंने एक मीम देखा था, उस मीम के बारे में बता देता हूँ। यह है महात्मा गांधी जी की मूर्ति, नीचे में उनका जो भी है सब लिखा हुआ है और समाजवादी पार्टी वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में यही चादर मोड़ है जो हमेशा ये साबित करता है कि हमारे जो अभी रूलिंग पार्टी है ना उनके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए किसी में भी दम नहीं है कि वो कम से कम वो उनके सामने खड़े हो पाए और खड़े होकर के ये कह पाए कि हम भी लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं चादर मोरों की वजह से जो है ये कहा जाता है कि ठीक है चलो अगर हम रूलिंग पार्टी को अभी हटा देते हैं, दूसरे को अगर बनाना चाहते हो तो किसको बनाना चाहते हो। एक भी चादर मोर बोस LED के ऐसे नहीं है। ओवर एक्टिंग के लिए ऑस्कर होता तो ये हर बार जीत जाता, सीरियसली हर बार जीत जाता। इसको 200 दे और 250 वापस ले ओवर एक्टिंग के लिए। गांधी जी लाइक ऊपर हूं आ जा मिलने, ओपी था भाई ये एकदम पीछे बंदे हैं ज्यादा सीरियस हो गए यार। ये कुछ भी हो जाए ये पेड सर्विस वाले बीच में जरूर घुसते हैं। मैं अकेली हूँ, रात को DM कर लो, मैसेज करो, रियल फन। अब याद है यहाँ पे क्या कोई मुझसे बात करे, मतलब इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं है। कहीं पे भी घुस जाओ और जाकर के प्रमोशन ले लो। वाह क्या एक्टिंग है। अरे दादा ये तो झोल हो गया, रुमाल वाले का 300 काट, चूतिया बनाया तुमको। ओके दैट्स इट। काफी दिनों के बाद ये चीज लेकर के आया हूँ, काफी वक्त हो गया था इस चीज को किए हुए कि भाई जाकर के पोस्ट पढ़ो और कमेंट पढ़ के मजे लो। आपको कितना मजा आया कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना और आपको कौन सा न्यूज सबसे बेस्ट लगा वो भी जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।